जून का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ मानसून के आगमन का समय भी हो चुका है। इसलिए बरसात पूर्व शहर से गुजरने वाले छोटे बड़े नालों की सफाई कार्य में निगम भिलाई ने तेजी लाते हुए कार्य को युद्ध स्तर पर करना प्रारंभ कर दिया है और इन कार्यों की मॉनिटरिंग भी लगातार निगम के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। नगर पालिका निगम भिलाई प्रशासन द्वारा बरसात पूर्व शहर से गुजरते सभी छोटे बड़े नालों के साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है। चैन माउंटिंग मशीन से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। बरसात में नालों की वजह से जल भराव की स्थिति निर्मित होने से रोकने इस कार्य को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर गैंग के माध्यम से सफाई कार्य को गति दी जा रही है। निगम प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष बरसात के पूर्व इस तरह से छोटे बड़े नालों की सफाई कार्य को किया जाता है। बावजूद इसके बरसात में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे निचली बस्तियों में लगातार पानी भरता है। इस स्थिति को बनने से रोकने इस वर्ष निगम प्रशासन द्वारा योजनाबद्ध रूप से नालों की सफाई का कार्य अंजाम दिया जा रहा है। इसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी कि नालों की सफाई को लेकर निगम सतत प्रयासरत है और जो मानसून पूर्व नालों की सफाई करना है उसके लिए उसका आइडेंटिफिकेशन करते हुए जो चैन माउंटेन है उसके माध्यम से नालों की सफाई की जा रही है। और ये है कि जो जितने भी जल भराव वाले स्थल से उनको चिन्हित करते हुए वैसे नालों को सफाई करने का अभियान जो है वो छेड़ा गया है और यह अभियान जो है अंतिम चरण पर है। कुछ ही दिनों बाद मानसून आने की संभावना को देखते हुए तीव्र स्तर पर जो नाला सफाई का जो अंतिम रूप देना है उसके माध्यम से किया जा रहा है। गौरतलब है कि नालों की सफाई के साथ साथ नालियों की सफाई का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष निगम प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। नालों का पानी घरों और सड़कों तक ना पहुंचे इसे रोकने के लिए भी भरसक प्रयास किया जा रहा है और छोटे नालियों की सफाई कार्य भी शुरू कर दी गई है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।